तोता उड़ उड़ मैं ना उड़। कोई लौटा दे मेरा बचपन, वो गुड़ियों से खेलना, वो ढेर सारी चीजें खाना, काश कोई लौटा दे मेरा बचपन। आज इतने सालों के बाद मेरी छाती पर किसने पैर रखा और वो गुड़िया किसके पास है, मुझे पता लगाना होगा, हर हाल में पता लगाना होगा। अरे वाह, कितने सुंदर डॉल है, बचपन में ऐसे ही तो डॉल से खेला करते थे हम। चलो दीदी और जीजू को दिखा के आती हूँ, दीदी तो बहुत खुश हो जाएगी। वो गुड़िया किसके पास है, मुझे पता लगाना होगा, हर हाल में पता लगाना होगा। रामकली उड़, छोटा हाथी उड़, बिड़ी का बंडल उड़। हेरा फेरी नहीं, एक बात बोलूं पप्पू जी। बोलो रामकली। हमारे बचपन के खेल कितने अच्छे होते थे ना, और आजकल के बच्चों को देखो, कंप्यूटर में मोबाइल में लगे रहेंगे, पबजी खेलना, कभी ये खेल कभी वो खेल, हमें तो पता भी नहीं। सही कह रही हो रामकली, आजकल का बचपन हमारे बचपन से बिल्कुल अलग है। हमारे बचपन में कितना मजा आता था ना, खूब खेलते थे। देखो दीदी मैं क्या लाई। अरे वाह, अरे स्वीटी कितनी प्यारी डॉल, अरे बहुत ही सुंदर है। अले ले ले मेरी प्यारी सी डॉल, क्या हाल है आपके, कैसे हो? अरे रामकली, माना के तुम और स्वीटी बचपन में ऐसे खिलौनों से खेलती थी, और तुम ही दोनों क्या, सभी बच्चे अपने बचपन का पूरा आनंद लेते हैं, लेकिन अब तुम दोनों कोई बच्ची थोड़ी ना हो जो ऐसे खिलौनों से खेल रही हो। अजी चुप रहो आप, हम तो अब भी बच्चों की तरह अपनी जिंदगी मौज मस्ती से जी रहे हैं। हा? सही कहा दीदी आपने, चलो अब हम अपनी प्यारी सी डॉल को नहला के इसके कपड़े चेंज करेंगे। अरे तुम इतनी आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो, बाहर चलो। क्यों, मैं क्यों बाहर जाऊं? अरे जीजू हम अपनी डॉल को नहलाएंगे और इसके कपड़े चेंज करेंगे। हाँ तो करो तुम दोनों जो करना है, मैं भी देखूंगा। कितने बेशरम हो तुम। हाँ? अरे अब मैंने क्या बेशर्मी दिखा दी। अरे दीदी मैं बताती हूँ, सुनो जीजू ये हमारी डॉल एक फीमेल है, और किसी फीमेल को नहाते हुए देखना मर्दों की बेशर्मी कहा जाता है। हाँ? अब तुम आराम से बाहर जा रहे हो या उठा के बाहर फेंकूं? हाँ हाँ जाता हूँ जाता हूँ। लगता है दोनों पागल हो गई है। कौन है?
अरे कितनी सुंदर लग रही है ये। दीदी हमने इसको नहला दिया, इसको कपड़े भी पहना दिए, इसका मेकअप भी कर दिया, अब इस बेचारी को भूख लगी होगी। हाँ स्वीटी तुम सही कह रही हो, मैं इसके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ? अली मेरी प्याली प्याली गुड़िया को भूख लगी है। और भी? अरे बस बस इसका पेट भर गया होगा। ठीक है इतने सुंदर लग रही है ना दीदी। हाँ स्वीटी इसके बाल तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम सुनहरी। अब इसको घुमाने ले जाएंगे हम। हाँ और मैं इसके लिए ना बहुत सुंदर सी फ्रॉक लेके आऊंगी और इसको चाउमीन भी खिलाएंगे। हाँ हाँ। कौन हो तुम लोग? लो कर लो बात, हमारे ही घर में आके हमसे पूछ रही है कौन हो तुम लोग। ये तेरा मेकअप तो बड़ा कमाल का है, खुद ही किया है या पार्लर से करवा के आई है? क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों, मैं एक चुड़ैल हूँ चुड़ैल। लो कर लो बात, मेरे जीजू तो हमेशा मेरी दीदी को चुड़ैल बोलते हैं। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम दोनों की मुंडी काट के खा जाऊंगी तब मानोगे। अरे रामकली क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे वो चुछ। अरे क्या कर रही हो, इतनी गंदी गाली देना चाहती हो मेरे को? जीजू ये देखो चुड़ैल। क्या कर रहे हो, तुमने गंदी गाली देनी शुरू कर दी। अबे मुच्छड़ कौन है बे? चुड़ैल रानी जी आप कौन हो और हमारे घर में क्यों आई हो? तुम लोग मेरी प्राणवायु इस घर में ले आए हो। प्राणवायु? अबे ये कौन सी वायु होती है बे? अरे स्वीटी हमने तेरे को कितना प्यार दिया, खाना दिया और उसके बदले तूने ये चुड़ैल ला के दी। अरे दीदी मुझे क्या पता था, मैं तो ये डॉल खेलने के लिए लेके आई थी, मुझे क्या पता था इस डॉल के बदले ये चुड़ैल हमारे गले पड़ जाएगी। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से मेरी प्राणवायु वापस कर दो, मैं नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चुड़ैल रानी जी मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। कैसा आइडिया? तुम इंसानों के आइडिये हम चुड़ैलों के काम नहीं आते। अरे चुड़ैल दीदी एक बार मेरे जीजू का आइडिया तो सुन लो, मेरे जीजू बड़े कमाल के आइडिया देते हैं। चुड़ैल रानी जी आपको आपकी प्राणवायु चाहिए ना? ठीक है तो फिर हो गया फैसला। कैसा फैसला? तुमको हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तभी हम तुमको तुम्हारी प्राणवायु लौटाएंगे। मैं तुम्हारे बाप की कोई नौकर नहीं हूँ चुड़ैल हूँ चुड़ैल। तुमको हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा वरना। वरना? वरना क्या? वरना हम इस डोल को उबलते हुए गरम तेल में डाल देंगे। नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कर देंगे। फिर तुम भी गरम तेल में तड़पती रहना। हाँ। नहीं तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, बोलो क्या करना है मुझे। हाँ, रामकली करवा ले घर का सारा काम इससे। हाँ तो ठीक है लग जाओ काम पे, पहले झाड़ू पोछा बर्तन और फिर। अरे दीदी सारे काम एक बार मत बताओ वरना ये कंफ्यूज हो जाएगी, कुछ काम बाद के लिए भी रख दो।